الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على النعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا خالقا جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسماء من الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم سيقول المقلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتركوا تبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سورہ فتح کی تفسیر کے سلسلے میں تیرہویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ پندرہویں آیت ہے سورہ فتح کی اور چونکہ مسلسل گفتگو ہے اس لیے یہ سورہ تنہائی میں یا کسی مذاکرے کے سلسلے میں کسی محفل میں کسی مجلس میں اگر پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک عجیب تسلسل اس سورے میں پایا جاتا ہے. اب گفتگو یہاں تک پہنچی جیسا کہ کل میں نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ حاشیے پر شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا کہ اہل مدینہ بہت تڑپیں گے یہ سن کر کہ تم کسی اور جنگ میں شرکت کے لیے جا رہے ہو
और ये जान करके हमारा वादा ये है कि वहां गनीमतें बहुत मिलेंगी, बहुत माल मिलेगा, और इस फतह के नतीजे में मुसलमान दौलतमंद हो जाएंगे, उनका फक्र फाका खत्म होगा। तो ये मुखल्लफून मिन अल आराब, ये पीछे रह जाने वाले लोग, ये बार बार कहेंगे कि हमको जरूर साथ ले चलो। तो उनसे ये कह दिया जाए कि कलाम इलाही पहले ही से ये आ चुका है, हुक्म इलाही यही है, फैसला यही सादिर हुआ है कि सुलह हुदैबिया में जो लोग गए थे वही लोग कैबर की लड़ाई में शरीक होंगे और उनके अलावा किसी और को साथ ले जाने की इजाजत नहीं है। तो उसका जवाब अहले मदीना ये देंगे कि चूंकि अब मगानिम का वक्त है, मनफातों का वक्त है, इसलिए क्या बुरा था अगर हमको भी कोई दौलत मिल जाती। ऐसा मालूम होता है कि ये फतह खैबर पर जाने वाले हमसे हसद कर रहे हैं और हमको साथ नहीं रखना चाहते। इरशाद हुआ कि ये हसद की गुफ्तगू नहीं है बल्कि तुम्हारे फहम व शऊर का फर्क है कि सुलह हुदैबिया का मकसद क्या है और फतह खैबर का सिलसिला क्या है, इसको तुम नहीं समझ सकते। मगानिम कसीरा का हमने वादा किया है, मनफअतों का हमने वादा किया है, मगर ये एक सिलसिले फिक्र है जो सुलह हुदैबिया के साथ है, ताकि वो जहनी और अखलाकी पस्ती जो उन 1500 आदमियों के दिलो दिमाग पर तारी हो चुकी थी, जिन्होंने ये समझा कि पैगंबर दब कर सुलह कर रहे हैं और अगर अल्लाह के रसूल होते तो ऐसी सुलह न होती, वो ये जान लें कि वो ताकत जो सुलह पर पैगंबर को आमादा कर रही है, उसी ताकत ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाली लड़ाई कयामत खेज लड़ाई होगी और उसमें तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, सारे मदीने वालों के साथ देने की जरूरत नहीं है, यही मुश्तबह आदमी ही साथ जाए और यही लोग साथ रहे जिनके दिलों में शुकूक है, यही जाए, इसलिए कि लड़ना भिड़ना तो इनको नहीं है। ये हम 15वीं आयत तक पहुंचे और ये सूरह फतह है जो कह रहा हूं, यही हाशिए पर भी लिखा हुआ है और हमारे उलमा ने नहीं बल्कि उर्दू तर्जमा करने वालों ने और उर्दू में तफसीर करने वालों ने तकरीबन हाशिए पर यही गुफ्तगू लिखी कि मदीने वाले जल रहे थे और कह रहे थे हमसे हसद कर रहे हो, हमको नहीं ले जाते, अब जबकि दौलत मिलने का वक्त आया है। तो आपने देखा कुरान मजीद में मुसलसल 3 आयतें ये हैं कि हमने ये कहा है कि चलो अब वापस मदीना और मदीने से फौरन चलो खैबर और वहां नसर करीब है, मदद करीब है, फतह करीब है और फिर दौलत बे इंतहा मिलने वाली है। मगानिम कसीरा, कसीर माल गनीमत मिलेगा। तो मदीने वालों की निगाहें न मकसद नबूवत पर है, मदीने वालों की निगाहें
न मकसद वही और तंजील पर है, मदीने वालों की निगाह है सुलह हुदैबिया की हकीकत पर नहीं है कि सुलह हुदैबिया का राज क्या है। मदीने वाले न एहतराम मक्का को जानते हैं, न जिस तरह से आबरूए मक्का की हिफाजत की गई उसका ख्याल करते हैं। उनकी निगाह तो फकत उस माल पर है कि जिस माल का वादा किया गया है। तो आपने ये देखा कि ये माल मिलने वाला है 8 हिजरी में, 8 हिजरी में सुलह हुदैबिया की गुफ्तगू है 7 हिजरी की, और 1500 आदमी है, और जैसा कि अर्ज कर रहा हूं अक्सरों बीस्तर रिजाल और जलीलुल कद्र रुआत अभी मुसलमान भी नहीं हुए हैं, जो फतह खैबर के बाद मुसलमान होने वाले हैं। ऐसे आलम में खत्मी मर्तबत 20 दिन के तवक्कुफ के बाद सुलह हुदैबिया से मदीना पहुंचे, और उसके बाद सिर्फ मुहर्रम मदीने में गुजारा और बेख्तियार खैबर की तरफ निकल पड़े। तो खैबर खंदक नहीं है, खैबर ओहद नहीं है, खैबर बद्र नहीं है, खैबर किसी और लड़ाई का नाम नहीं है, बल्कि खैबर उस जंग का नाम है जहां मुकाबिल में दुनिया की मालदार तरीन कौम अपने तमाम असलहे के साथ जमा है। वो दिन भी और आज का दिन भी। जाहिर है कि जहां दौलत जमा होती है वहां असलहा जमा होते हैं, वहां जहां दौलत ज्यादा होती है वहां तंजीम अच्छी होती है, जहां दौलत ज्यादा होती है वहां आलाते हर्ब व ज़र्ब के इस्तेमाल के तरीके भी मुनज़्ज़म होते हैं। नहीं, फकत यही नहीं, बल्कि किले के पीछे एक किला, दूसरा किला, तीसरा किला, 9 किले यहूदियों ने बनाए हैं, और वो आखिरी किला जिसको किले कमूस कहते हैं उसको तो इस तरह से बनाया है कि जिसके मुतालिक उस जमा ने की मुतमद्दिन दुनिया को यह मालूम था कि यह कला नाकाबिले तस्खीर है। तो ऐसी मंजिल पर उन यहूदियों के मुकाबिल में बेख्तियार निकलने का हुक्म मिला, और इस कुव्वत के साथ के जाओ ताकि इनको मालूम हो जाए कि मसलत मसलहत इलाही अगर अपने नबी को किसी मकाम पर रोकती है तो उसके क्या माना है, और मसलहत इलाही अपने नबी को किसी मकाम पर आगे बढ़ाती है तो उसका क्या मकसद है। और ऐसी मंजिल पर खत्मी मर्तबत को यह समझा दिया गया, ये समझा दिया गया कि ये एक सिलसिले फिक्र है, ये एक सिलसिले फिक्र है। वो आदम हो के नूह हो, वो इब्राहिम हो के मूसा हो, वो ईसा हो के कोई और नबी, वो आप हो या आपके बाद आने वाला हिदायत का सिलसिला, वो कोई हो, सबका एक ही मौकिफ है, सबका एक ही तरह से कियाम है, और वो कियाम यही है कि किसी मकसद इलाही के कियाम के लिए, किसी मकसद इलाही को आगे बढ़ाने के लिए अगर इस अम्र की जरूरत कभी पड़ जाए के बज़ाहिर रुकना पड़े तो रुको, चुप होना पड़े तो चुप हो जाओ, तलवार रोकना पड़े तो तलवार रोक लो, सुलह करना पड़े तो सुलह कर लो। जिसको आप कल आने वाली रात में सुनेंगे कि सुलह हुदैबिया से सुलह हसन कैसे मुसलसल है, मैं
चंद बातें अर्ज करूं और फिर ये कि आज की इस गुफ्तगू में खुसूसियत के साथ मैंने अपनी बाज गुज़िश्ता तकरीरों से जुमलों को दोहराने की कोशिश की है फकत इसलिए कि आपका हाफिजा ताजा रहे कि हर नबी को भेजते हुए हर नबी को मबरूस करते हुए यही अहद लिया गया कि हमारा निजाम कुल और हमारा मकसद वाहिद सिर्फ ये है कि क़ियाम हक और एलाए कलमे हक के सिलसिले में हम जिस तरीके को मुनासिब जाने उससे कोई हमारी मर्जी का नुमाइंदा उदूल न करे उससे मुंह न मोड़े अगर जरूरत हिजरत है तो हिजरत जंग नहीं और अगर जरूरत सुलह है तो सुलह कोई बात इस अम्र के लिए मुनासिब नहीं है कि जहां हुक्म सुलह हो वहां कोई भी दाद मर्दानगी देने के लिए तहव्वुर का मुजाहरा करे। आप लफ्जों को समझ रहे हैं, शुजाअत नहीं तहव्वुर यानी बेजा जोश, बेजा जोश। ये बेजा जोश दीनों आहीन के लिए कभी कभी मुजिर हो जाता है। हाँ, उन शुजात के लिए जो तारीफ कुरान ने की है अगर उस तारीफ पर कोई कार बंद हो तो शुजात फकत यही नहीं रहती कि तलवार खींचे बल्कि शुजात ये भी रहती है कि इंतहाई नामुनासिब हालात में सब्र करे। ये भी शुजात है। बहरहाल ये उस वक्त मुमकिन है, उस वक्त मुमकिन है जबकि लौ लगी हुई हो मकसद से, जबकि निगाहों में मर्जी मौला हो, जबकि दिल फकत यही चाहता हो कि जो मालिक चाहे उसी पर अमल हो, जहां वसवास न हो, खदशा न हो, फिक्र न हो, कोई ये बात न हो कि अरे हम इतने कमजोर हैं अब क्या होगा, या हम इतने कवी हैं क्यों हमला न करें, इसकी आपको फिक्र नहीं। मर्जी मौला के ढूंढने वाले अपने नफ्स के कहने पर और अपनी मर्जी पर अमल नहीं करते, वो मर्जी मौला पर निगाह रखते हैं। एक अदब की बात है और जाहिर है कि कोई भी तकरीर हमारी अदब से खाली नहीं होती। एक अच्छी सी बात, मिर्जा मोहम्मद अली साहेब तबरेजी जिनका इंतकाल अस्फहान में हुआ, ये फारसी जबान के हकीम शायरों में शुमार किए जाते हैं और इनके मुतालिक ये ख्याल है कि इनकी फिक्र में हिकमत ही हिकमत है। आजमाइश के लिए इनसे एक मर्तबा बेख्तियार किसी ने यह ख्वाहिश की कि यह मिसरा हाजिर है, इस मिसरे पर एक और मिसरा कह दीजिए।
तो मिसरा ये था जो मुहम्मल था वो ये था कि अज शीशे बेमय मैं बेशीशा तलब कुन अज शीशे बेमय मैं बेशीशा तलब कुन। तो साहिब ने बेख्तियार मिसरा दिया और कहा हक रा जे दिले खालिया अंदीशा तलब कुन हक रा जे दिले खालिया अंदीशा तलब कुन अज शीशे भी मैं बेशीशा तलब कुन। को जब हक को तलब करने वाला दिल को हर अंदेशे से दूर करके तलब हक में आगे बढ़ता है तो उसके लिए एक ही सूरत बाकी रह जाती है कि वो चौथी किस्म मोहब्बत के जिसको कल मैं अर्ज कर रहा था कि बहाउद्दीन आमली ने जिनका सन वफात 1030 हिजरी है और जो मस्जिद गौहर शाह के सहन में दफन है उन्होंने कहा था कि ये चौथी मोहब्बत की किस्म वो है कि जो सही माना में बतीउल अब्द और बतीउल इन्हलाल है। चार किस्में मोहब्बत की बतलाई हाफिजे को ताजा कीजिए। पहली मोहब्बत सरीउल अक्ल सरीउल इन्हलाल, दूसरी मोहब्बत बतीउल अक्ल सरीउल इन्हलाल, तीसरी मोहब्बत सरीउल अक्ल बतीउल इन्हलाल, चौथी मोहब्बत बतीउल अक्ल बतीउल इन्हलाल। आपके माने कल बतला चुका यानी किसी चीज का हासिल हो जाना, किसी गिरह को बांध इन्हलाल के माने तहलील पाना। पहली मोहब्बत वो है जो जल्दी आए और जल्दी जाए। ये लज्जात दुनिया है, ये खाना पीना, ये शहवात नफ्स है। दूसरी मोहब्बत वो कि जल्दी आए और देर से जाए, ये औलाद की मोहब्बत है कि इंसान जल्दी से औलाद को चाहता है मगर मोहब्बत देर तक रहती है। तीसरी मोहब्बत वो है जो देर से आए और जल्दी जाइल हो जाए, ये माश है मईशत है मुलाजमत है कि इंसान जहां मईशत की तलाश करे देर में मुलाजमत मिले मनफियत मिले मगर जब मनफियत आ जाए तो जल्दी जाइल हो जाए। चौथी मोहब्बत वो है कि देर से आए और देर तक बाकी रहे, वो फिक्र है मारिफत है, वो इंसान का गौर खोज करना है निजाम आलम में। और एक मरतबा जब पता चल गया कि हक ये है तो फिर अब हक से इस तरह से लिपट जाए कि वो देर तक बाकी रहे, इतनी देर तक बाकी रहे कि शेख बहाउद्दीन आमली कहते हैं कि अल हुब्बू वल बुग्जू यतवारिसान, कि मोहब्बत और अदावत नस्लों में चली जाए और बाप के बाद बेटा मोहब्बत करे, बेटे के बाद पोता मोहब्बत करे, नस्लें बढ़ जाए दुश्मनी में और दोस्ती में। और उसके बाद जब खत्म किया महस को कहा वस्सलामु अला मन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व मन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और मेरा सलाम हो उस बंदे पर जो खुदा और रसूल से मोहब्बत रखता है और खुदा और रसूल जिससे मोहब्बत रखता है। देखिए ये पूरी गुफ्तगू थी कि जिसको कल मैंने खात्मे तकरीर पर आपकी समाअत के लिए हदिया किया था उसको आज मैंने दोहरा दिया सिर्फ इसलिए कि अब यहां से आप आगे बढ़ें कि जहां मोहब्बतें इस तरह से नस्लन बादा नस्लें आए तो वहां वो गुरो अंबिया का के जिनकी पेशानियों में नूर खातम वदीअत कर दिया गया। और जब वो आगे बढ़े
और इस तरह से इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिलकर खाने हक की बुनियादें रखे और बाप बेटों को आवाज आए तहिराओ बैती लिताएफीन वलाकेफीन, तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मेरे घर को पाक करो, तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों के वास्ते बनाया तुमने घर, तुमने ईंट और चूना और मिट्टी इस्तेमाल की, मगर बैती वो मेरा घर है, ला मकान का मकान है, वो निस्बत मुझसे पा रहा है, इसलिए तहारत उसके लिए लाजिम है और तुम दोनों कोशिश करो कि यह ताहिर हो जाए। अब नस्लन बाद नस्लन अगर काबे की हिफाजत का सवाल आगे बढ़ता जाए तो इस तरह से औलाद में यह ख्याल पैदा हो कि आओ काबे की तहारत करें, तो एक तहारत जाहिरी हो एक तहारत बातनी हो। तहारत जाहिरी की वह मंजिल हो कि जहां बुत तोड़े, तहारत बातनी की वो मंजिल हो जहां मुशरिकों को सूरह बरात के जरिए आने से रोकती है। आपने देखा इब्राहिम ने मेहनत की है, इस्माइल ने मेहनत की है, अंबियाओं ने मेहनत की है इस घर के हिफाजत के लिए कि यह घर ताहिर रहे, यह घर पाक रहे। जालहू मन दखलहू का नाव में ना, जो दाखिल हो जाए वो अमन पाए, वो महल अमन करार पाए, वहां जंग न हो, खूनरेजी न हो, फितना फसाद न। तो आपने देखा कि अगर कहीं काले हक का तस्करा छिड़ जाए, अगर कहीं मकान ला मकान का तस्करा छिड़े, तो आप ये जरूर समझ लें कि इस मकान के भी कोई वारिस हैं। फकत यही नहीं कि तौलियत किसके पास है, फकत यही नहीं कि शिकायत किसके पास है, सीन काफ अलिफ ये थे यानी पानी पिलाना, फकत ये नहीं कि किलीद बरदारी किसके पास है, नहीं, इसका वारिस कौन है, इसका वारिस कौन है कि जिसको इस बात का हक पहुंचता है कि इसकी हिफाजत हो। ये वारिस खाने काबा है जो हुर्मते खाने काबा को महफूज रखने के लिए अपने आप को सुलह पर मजबूर पा रहा है, अपने आप को सुलह पर मजबूर पा रहा है। और कब? 12 बरस मक्के के गुजर जाने के बाद, 6 बरस मदीने के गुजर जाने के बाद, 18 बरस की तबलीग के बाद फिर भी सुलह, और फिर अब रह जाते हैं क्या? 4 बरस, 4 बरस, 7वें में सुलह हुदैबिया, 8वें में फतह खैबर, बहुत गौर से, 8वें में फतह खैबर और उसी साल के आखिर में फतह मक्का। जी फतह मक्का, और फतह मक्का उसी साल के आखिर में बुत शिकनी, 9वां साल सूरह बरात कि तुम न जाओ वो जाए, 10वां साल गदीर, 3 साल रह जाते हैं तो वारिस पहचनवाता है काबे के आने वालों को कि दूसरा वारिस आ रहा है। तो कौन कौन है जो अब खाने हक का इतना ख्याल करे? इसलिए अब कोई भी हज के लिए जाए, जैसा कि कल अर्ज कर रहा था,
मनासिके हज इसी घराने ने दिए, मनासिके हज इसी घराने ने दिए। इमाम मालिक ने अगर मनासिके हज लिए, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अगर मनासिके हज लिए, इमाम शाफी अलैह रहमान ने लिए, इमाम अहमद इब्ने हम्बल अलैह रहमान ने लिए, तो सब के सब ने सैयद साजिदीन और इमाम बाकर सलावतुल्लाहि व सलामहु अलैहिमा से लिए। इसलिए कि अब ये वारिसान खाने हक हैं, औलाद इब्राहिम से हैं, इन्हीं के जद ने तामीर की है, इन्हीं को हुक्म है तहारत का कि ताहिर करे खाने काबा को, वो पाक रखें। तो ऐसी मंजिल पर इन्हीं के फरामीन पर, इन्हीं के फरामीन पर दुनिया आज तक हैरान है, दुनिया आज तक हैरान है। आपको मालूम है उसम इब्न अल अब्बास आमिल मक्का है दौरे मौलाए कायनात में। अमीरुल मोमिनीन ने एक खत लिखा है उसम इब्न अल अब्बास को और ये रुकआत में मौजूद है नहजुल बलागा। इरशाद फरमाते हैं ऐ आमिल मक्का, हज के जमाने में हाजी जब आए तो दोनों मर्तबा सुबह शाम, दोनों मर्तबा सुबह शाम इनसे बजाते खुद मिलने की कोशिश करो और फिर ये के लम यकुन लहूस लहुम सफीरुन इल्ला लिसानुक, उनमें और तुम में कोई सफीर न हो कि तुम्हारा पैगाम उन तक पहुंचाए या उनकी दरख्वास्त तुम तक लाए। तुम्हारे लिए सफीर तुम्हारी जबान हो, तुम्हारी जबान सफीर हो, उनसे खुद बात करो। लम यकुन लहुम सफीरुन इल्ला लिसानुक वला हिजाबुन इल्ला वजहुक, दोनों के दरमियान कोई पर्दा ना हो सिवा तुम्हारे चेहरे के, यानी तुम खुद जाओ, तुम खुद बात करो। देखिए अब इसके बाद के इरशादा, इरशाद फरमाते हैं अल्लमिल जाहिल, अगर कोई जाहिल मिले मसला बताओ, वफ्तिल मुस्तफ्ती, कोई फतवा मांगे फतवा दो, वो जाकिरिल आलिम, और अगर कोई आलिम मिले तो आपस में तबादला ख्याल करो, ये हज के नताइज हैं। बैठो कॉन्फ्रेंस करो, अपने मुश्किलात को मालूम करो, अपने मसाइल को समझो कि उलमा क्या अफकार रखते हैं और उलमा के पास आज क्या फिक्र है कि जिस पर वो गुफ्तगू कर सकते हैं, काम करो। और हां हां वामुर अहलल मक्का, और हुक्म दो अहले मक्का को अल्लाह या खुजूल आजर मिन साकिनी ही, कि आने वालों से हज का कोई टैक्स न लिया जाए। अमीरुल मोमिनीन का फरमान है अहले मक्का को हुक्म दो कि आने वालों से कोई आजर नहीं लिया जाए, इसलिए कि कमा قال الله تبارك وتعالى सवान आकिफ वल बाद फी, यानी उसमें एतकाफ करने वाला या मुस्तकिल तौर पर रहने वाला दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। सूरह हज की आयत से इस्तदलाल किया है, 22वां सूरा है कुरान का, कि आकिफ और वहां का रहने वाला दोनों बराबर हैं। कोई है इस हुक्म पर चलने वाला? नहीं। इरशाद फरमाया उनसे कहो कि अपने मकानों को दरवाजे न लगाएं,
ताकि अगर हाजी आए तो किसी पर किसी घर का दरवाजा बंद न हो, बल्कि वो आए, जगह पाए, बैठे, वरना कहीं और जाए। उनसे कह दो कि हराम है खाने हक में मकान का खरीदना या बेचना। अमीर मोमिनीन के इरशादात है। और इसी पर सूरह हज की तफसीर करते हुए फजल इब्ने हसन तबरसी ने कहा कि दौरे अमीरुल मोमिनीन तक खाने काबा में किसी घर को दरवाजा नहीं था, किसी घर को दरवाजा नहीं था। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद हुकूमत वक्त ने दरवाजे लगा दिए, फिर वो दरवाजे बंद होते चले और इकबाल को कहना पड़ा, यही पीरे हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गिली में बूदरों दलके ऊए सो चादरे से। इकबाल को यह कहना पड़ा, यही पीरे हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गिली में बुजरो दलके उवैसो चादरे सहरा। यानी मतलब ये कि कौने हक का एहतमाम इसी घराने ने किया और इस शान से किया कि नहजुल बलागा में वो सारे मकामात मौजूद हैं जहां यह हिदायत की, जहां यह हिदायत की कि ये दरवाजे न लगे घरों को, किराया न लिया जाए, मकानात की खरीद फरोख्त न हो और हराम करार दिया, खरीद फरोख्त को अमकना की और कहा कि इनमें आने वालों से यूं मिलो कि जैसे दोस्त दोस्त से और भाई भाई से मिलता है, इनसे मसाइल को मिलकर हल करो, अगर आलिम को पाओ तो उससे कुछ सीखो, अगर जाहिल पाओ तो उसको कुछ सिखलाओ, इससे बढ़कर कोई और तरक्की का मरकज हो सकता है? बैन अल-अक़वामी सतह पर सारे आलम के मुसलमान जहां जमा होते हो वहां यह हिफाजत की गई, वहां यह हिफाजत की गई और ये बतलाया कि अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बकुम, हाँ हाँ अपने रब के बैत का ख्याल रखो, वला तुखल्लूहु इसको खाली न छोड़ देना, इन तुरे का लम तो ना जरूर, अगर ये छूट जाए तो फिर न मोहलत मिलेगी न पहचाने जाओगे। आपने देखा तो अब अगर मिल्लत इस्लामिया अपने पूरे खुलूस के साथ इस बात को तय कर रही है कि अब हम हज के लिए जमा हो, तो वहां ये भी तय हो, ये भी तय हो कि इस घर की हिफाजत भी होगी, इस घर की तथहीर भी होगी, फकत यही नहीं अपने मसाइल भी हल होंगे, मगर इन सब का मदार इसी पर है, सबका मदार इस पर है कि इसकी आबरू रह जाए, इसकी आबरू रह जाए, इसलिए कि आज यही बैत हक है जो मरकज है, यही बैत हक है जो मरकज है कि जहां जंग की इजाजत न रसूल ने दी, न अली ने चाहा, न हुसैन इब्ने अली ने इसकी कोशिश की, न किसी इमाम ने यह पसंद किया कि खाने काबा में कोई ऐसी कोशिश हो या साजिश हो, मगर फकत यही नहीं बल्कि बाद रसूल रसूल के घर वालों ने तो यह तय किया कि अब मक्के की तरह मदीने की हुरमत का भी ख्याल रखें। गुफ्तगु यहां तक पहुंचे, सिलसिले कलाम कल आगे बढ़ेगा, मदीने की हुरमत का भी ख्याल करें और हुरमत मदीना यही है कि मदीने की निशानियों को बाकी रखा जाए।
مدینہ کی نشانیوں کو باقی رکھا جائے. حرمت مدینہ یہ ہے کہ ان مقامات کو باقی رکھا جائے جن مقامات کا احترام رسول نے کیا ہے رحلت سے کچھ دیر قبل. کچھ دیر قبل بے اختیار بستر علالت سے اٹھے, لوگوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے, کہا جنت البقیع. کا کیا بات ہے, کا فاتحہ تو پڑھ کے آؤں, فاتحہ پڑھ کے آؤں. مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جنت البقیع گئے, جنت البقیع گئے. ناموں کی فہرست دینی منظور ضروری نہیں ہے کہ کون کون جنت البقیع میں دفن ہے, مگر پیغمبر گیا تھا فاتحہ کے لیے. اگر یہی احترام رہ جائے کہ جس مقام پر پیغمبر مرنے سے پہلے زیارت کے لیے جائے, اس کی زیارت ہر مسلمان کرے گا, تو آج آپ اس احترام کا بھی خیال کرتے, اس آبرو کا بھی خیال کرتے جس کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے, ہر مسلمان پر ہے. مگر حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ کوشش بار بار یہی کی گئی, بار بار یہی کی گئی, اور صحیح طور پر یہ کوشش ہوئی کہ شاید کل رات کہنے والے کو موقع نہ ملے. آخری مرتبہ امام حسن نے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملے تو ہتھیار نہ کھینچنا, تلوار نہ کھینچنا, لڑنا نہیں. دیکھیے امام حسن کی منزل کیا ہے, اب میں بتاؤں آپ کو. امام حسن کی منزل یہ ہے کہ اب گھر اپنی بہار پر ہے, ایسا نہیں ہے کہ بنی ہاشم میں کمی ہے. امام حسن کی زندگی کا آخری دور یہ ہے, یعنی میں 50 ہجری کی بات کر رہا ہوں, 50 ہجری کی, کہ جس کے معنی یہ ہے کہ اب بچے جوان ہو چکے ہیں, اب تلوار پکڑنے کی قوت ہے, مدینے والے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, اور نواسا صرف یہی چاہتا ہے کہ نانا کے پاس دفن. مگر ارشاد فرمایا اگر کوئی مانے ہو جائے تو بھائی تلوار نہ کھائے, اس لیے کہ مدینے کی حرمت ہے. دیکھا آپ نے, یہ ہیں وہ وارثان انبیاء, یہ وہ وارثان انبیاء جو مکے اور مدینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ہم نے علی کو مقام سکوت پر دیکھا یا مقام جنگ پر دیکھا تو ہم نے اکیلے علی کو نہیں دیکھا. بس یہ ہو گئی آخری منزل. میں آپ سے معافی کے ساتھ اپنی ایک روایت سنا رہا ہوں کہ ہم نے اکیلے علی کو نہیں دیکھا بلکہ حق کی صورت کسی کو دیکھا میں نے, حق کی صورت کسی کو دیکھا میں نے, یا طور پہ روشنی کو دیکھا میں نے, مولا کو نظر بھر کے جو دیکھا ہے رشید گویا ایک ایک نبی کو دیکھا میں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.